हेलो गाइज, मैं युवानाथ सिंह और आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। तो चलिए आगे मैं आपके लिए कुछ लेकर हाजिर हूँ। तो आज वीडियो के आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास में घंटी का बटन है उसे भी दबा लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले मिल सकें। आज मैं आपको क्या बताऊंगा, एडवांस स्ट्रक्चर इन स्पोकन इंग्लिश एंड राइटिंग इंग्लिश में कैसे कुछ स्ट्रक्चरों का प्रयोग करते हैं, उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। तो चलिए, तब आज के लिए, जैसे हम अक्सर अपने जीवन में रोजाना आप लोग बोलते होंगे कि फिलहाल के लिए या उतने समय के लिए, उतने समय के लिए पैसे दे दो, उतने समय के लिए मैं जा रहा हूँ, फिलहाल के लिए 100 रुपये रख लो, फिलहाल के लिए तुम घर चले जाओ, फिलहाल के लिए मैं यहाँ नहीं रुकूँगा, ऐसे रोजाना वाक्य बोलते रहते हो। तो आइए, इनका क्या स्ट्रक्चर है, कैसे इसको हम बनाएंगे, उसका आइए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा दोस्तों। तो आइए समझते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। तो इसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों, इसका जो स्ट्रक्चर है फिलहाल के लिए, इसकी अंग्रेजी होती है फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग, ये हो गया आपका फिलहाल के लिए, उतने समय के लिए। अब कामा मार करके बाकी सेंटेंस लिखेंगे हम, इसके बाद फुल प्लस फुल सेंटेंस लिख दीजिएगा, फुल सेंटेंस, ये हो गया। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, फुल सेंटेंस पहले लिख लीजिए, फुल सेंटेंस और प्लस फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। तो इस तरह से जो वाक्य हैं हम उनका अनुवाद करेंगे। अब इसको कैसे बोलना है, क्या करना है, पूरी जानकारी मैं दे रहा हूँ। तो ऐसे वाक्य अक्सर आप रोज बोलते हैं और उसका इंग्लिश में प्रयोग कीजिए, कैसे करना है। तो आइए इसका ट्रांसलेट करते हैं क्या होगा। तो पहले इसको हम फिलहाल, अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर पहले इसको लिख रहे हैं तो यहाँ एक आपको कामा लेना होगा, अगर इसको फिर फॉर द टाइम बीइंग लास्ट में लिख रहे हो तो कामा की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, फॉर द टाइम बीइंग कामा यू गो होम, यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं होता होम के पहले, ठीक है, ध्यान रखना। तो इस तरह से इसका अनुवाद करेंगे। तो चलिए कुछ और ही एग्जाम्पल दे, चलिए गाइज कुछ और सेंटेंस देखते हैं। जैसे बोलते हैं कि उतने समय के लिए 100 रुपये रख लो, बोलते हो ना, उतने समय के लिए 100 रुपये लिख लो, फिलहाल के लिए आप 100 रुपये रख लीजिए, या ऐसे बोल दिया फिलहाल के लिए मैं होटल में रहूँगा, तो क्या है, ऐसे टेंस का भी उसी तरह से हम इसको अनुवाद करेंगे दोस्तों। इसका टेंस जो है अपना बदलता रहता है, जो भी टेंस होगा उस टेंस के अकॉर्डिंग उस सेंटेंस को आप लिखेंगे, प्रेजेंट है प्रेजेंट में, पास्ट है पास्ट में, फ्यूचर है फ्यूचर में लिखेंगे, टेंस जो भी होगा उसको लिखेंगे आप। तो आइए चलिए इसको देखते हैं अनुवाद क्या होगा, उतने समय के लिए 100 रुपये रख लो, तो इसका क्या हो जाएगा, फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग पुट, मैंने रख लो पुट 100 रुपीज, 100 रुपीज। अब आप इसको फॉर द टाइम बीइंग जो लास्ट में भी लिख सकते हैं, यहाँ कामा लेंगे। अब चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं, फिलहाल के लिए मैं होटल में रहूँगा, तो इसका क्या हो जाएगा, चलिए इसको पहले ही लिख लेते हैं, तो आई सेल, देखिए फ्यूचर टेंस का है तो सेल का प्रयोग करेंगे, ये आपका इंपरेटिव था, इंपरेटिव किए, आई सेल लिव इन अ होटल, HOTEL होटल, होटल नहीं पढ़ेंगे, होटल पढ़ेंगे, होटल फॉर द टाइम बीइंग, ये हो गया। इस तरह से इनका हम अनुवाद करेंगे गाइस। तो अब मैं समझता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब कोई हल्का भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा दोस्तों। तो चलिए अब इसका आपको होमवर्क देने का टाइम हो गया है, आइए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको करके आप हमें आंसर कमेंट कीजिएगा, तो समझूंगा कि आपको समझ में आ गया है। तो लिख लीजिए फिलहाल के लिए
मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है, अब इसका आप हमें कमेंट कीजिएगा, आंसर कमेंट, आंसर तो कमेंट कीजिएगा गाइज। तो चैनल में नए हो, अभी सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो ऐसी वीडियो रोजाना पाने के लिए अभी कैरियर पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि रोजाना की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके, हमारी वीडियो आप समय पे देख सके दोस्तों। और हमारा जो है प्लेलिस्ट बना दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के इंग्लिश की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से सभी इंग्लिश की वीडियो आप देख लीजिए, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा गाइज। तो ऐसे ही रोजाना वीडियो अपलोड करते रहेंगे, आप देखिए बस, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी देख पाएंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगे, ट्रिक्स कैसे लगे, उसको कमेंट कीजिएगा कि, और चैनल में नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए उसको फटाफट। तो टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।